फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं हूँ शाइनी और आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा नायका हॉल। मेरे डे टू डे स्किन केयर और हेयर केयर रूटीन में जो भी एसेंशियल है तो उसको मैंने ऑर्डर किया है नायका से, तो वही मैं दो तीन चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। पहला प्रोडक्ट है विच इज माई फेवरेट प्रोडक्ट, ये एक बॉडी वॉश है। और अगर आप लड़का है, लड़की है, अगर आप टीनेजर है तो आप इस बॉडी वॉश को डेफिनेटली यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई पैराबेन नहीं है। लेकिन इसमें बहुत सारे वेरियंट्स आते हैं, लाइक रोज वेरिएंट, लेमन वेरिएंट, और ये वाला मेरा पर्सनल फेवरेट है ब्लू वाला, बिकॉज इसका स्मेल जो है वो बहुत ही रिफ्रेशिंग है। सो अगर आप चाहते हैं तो आप छोटा सा ट्रैवल फ्रेंडली एक बॉटल आता है वो भी परचेस कर सकते हैं, विच रिटेल्स फॉर शायद 49 रुपीज ओनली। नेक्स्ट मैंने एक फीमेल इंटीमेट हाइजीन के लिए प्रोडक्ट खरीदा है, ये है क्लीन एंड ड्राई इंटीमेट क्लेंजिंग फोम वॉश। जो मेरे बहुत पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता है कि मैं डेली बेसिस पर इसे इस्तेमाल करना पसंद करती हूँ, और अगर आपको इंटीमेट हाइजीन के ऊपर कुछ वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके मुझे बताइए। फोम वॉश है तो इसमें क्या है, यहाँ पर एक नोजल दिया गया है, यू जस्ट नीड टू शेक इट, उसके बाद यहाँ से आप स्प्रे करोगे तो वो एकदम फोम फॉर्म में ही आएगा। ये आपके इंटीमेट एरियाज को क्लीन रखता है, ड्राई रखता है, और कोई भी बैक्टीरिया या कुछ भी इन्फेक्शन भी नहीं होता। इनफैक्ट अगर कुछ रैशेस की प्रॉब्लम है तो इसको इस्तेमाल करने से वो भी ठीक हो जाता है, और अगर आप टीनेजर है फिर भी आप इसे परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने एक हेयर केयर प्रोडक्ट खरीदा है विच इज हेयर सीरम, और ये है द बॉडी केयर हेयर सीरम। नाउ मैंने ये वाला खरीदा है, आप लोगों को पता है कि मैं लिवॉन हेयर सीरम ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ, बट ये मेरा थोड़ा सा हटके एक प्रोडक्ट है जो मैं पहली बार इस्तेमाल कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज मेरी एक व्यूअर ने मुझे रिक्वेस्ट किया था इसका रिव्यू करने के लिए। फॉर रिव्यू पर्पज ओनली मैंने इसे खरीदा है और मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ, यहाँ तक मैंने इस्तेमाल किया है। सो मैं थोड़ा सा इसे इस्तेमाल करूंगी, उसके बाद मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू जल्द ही शेयर करूंगी। नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने एक सनस्क्रीन खरीदा है। मुझे लगता है मॉनसून, विंटर, समर, हर सीजन में सनस्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, और ये कभी भी लड़का लड़की किसी को भी स्किप नहीं करना चाहिए बिकॉज सन रेज आर वेरी डेंजरस और उससे स्किन कैंसर भी होता है, सो नेवर टेक अ चांस। और ये जो है ये न्यूट्रोजेना का है, तो ये भी 30 ml का है, बट इसका प्राइस बहुत ही मिनिमम है 30 ml का। जो 88 ml का है उसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है, सो आप चाहे तो एक बार टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये टीनेजर को मैं रेकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि ये थोड़ा सा हेवी सनस्क्रीन है और टीनेजर्स का स्किन थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, तो अगर ये सूट नहीं करता है तो स्किन में ब्रेकआउट की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ये SPF 50+ का प्रोटेक्शन है, जो अगर लड़का है तो आप जरूर इसे ट्राई कीजिए, क्योंकि लड़कों के लिए ऐसे हाई SPF वाला सनस्क्रीन जो आपको हर तरीके का प्रोटेक्शन दे तो वो ज्यादा अच्छा है। निविया बॉडी डिओडोराइजर, दिस इज फ्रेश रोज एंड केयर, और काफी सुना भी था मैंने इस वेरियंट के बारे में। मैं इसे उतना ज्यादा मैंने इस्तेमाल नहीं किया है, जस्ट एक बार ही इस्तेमाल किया है और मेरा रिव्यू अच्छा है, तो मैं दो तीन बार इसे इस्तेमाल करूंगी, उसके बाद इसके ऊपर डिटेल रिव्यू शेयर करूंगी। और ये प्रोडक्ट टीनेजर्स के लिए भी अच्छा है, ओडर को कंट्रोल करने के लिए अच्छा है, मॉनसून सीजन में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। सो ये था मेरा नायका हॉल, जो भी मेरे एसेंशियल्स है, डेली एसेंशियल्स, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और मेरा छोटा मोटा रिव्यू भी अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी फैमिली का एक हिस्सा बन जाइए। आज के लिए इतना ही, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल एंड बाय।